विजयदशमी के अवसर पर देश भर में बुराइयों के प्रतीक रावण किया गया दहन, देश भर में किया जा रहा है रामलीलाओं का आयोजन। नई दिल्ली के द्वारका में दशहरा समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमारे उत्सव देते हैं सामूहिकता की शक्ति, भीतर की आसुरी शक्तियों को मारना है जरूरी। वायुसेना दिवस के अवसर पर गाजियाबाद में वायुसेना ने अपनी क्षमता और ताकत का किया प्रदर्शन, वायुसेना प्रमुख ने ली परेड की सलामी। और श्रद्धा और उल्लास के साथ किया जा रहा है प्रदेश में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, प्रतिमा के विसर्जन से प्रदूषण ना फैले इसके लिए प्रशासन के द्वारा इस बार बनाए गए हैं इको फ्रेंडली तालाब। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चूंकि आज विजयदशमी है, आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। नई दिल्ली के द्वारका में दशहरा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, यहां पर 107 फीट के रावण का दहन किया गया। समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे उत्सव सामूहिकता की शक्ति देते हैं और हमारे भीतर की आसुरी शक्तियों को मारना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शायद ही 365 दिन में कोई एक दिन हो जहां भारत में कोई उत्सव ना मनाया जाता हो। उत्सव हमें जोड़ते हैं, उमंग भरते हैं, ये हमारी रगों में धड़कता है। उन्होंने कहा कि देश में उत्सव ही संस्कार है, शिक्षा और सामूहिक जीवन का प्रशिक्षण देते हैं। उन्होंने कहा कि कला साधना ने उत्सवों को जीवंत किया, तभी हमारे यहाँ रोबोट नहीं मानव पैदा होते हैं। मोदी ने कहा कि शक्ति की साधना, उपासना और आराधना का पर्व नवरात्रि, नवरात्रि आंतरिक शक्ति को संचित करने और कमजोरियों को दूर करने की साधना है। हर माँ बेटी का सम्मान, गर्व और गरिमा को बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम चुनौतियों देने वाले भी हैं और समय अनुसार खुद को बदलने वाले भी। हम खुद ही बुराइयों के खिलाफ खड़े होते हैं, बुराइयों के खिलाफ खड़े होने वाला ही संत होते हैं। एक बार सभी लोग आगे से पीछे तक जोरदार तालियों के साथ। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए जोरदार तालियों के साथ। भारत उत्सवों की भूमि है, शायद ही 365 दिन में कोई एक दिन बचा होगा। हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में कोई न कोई उत्सव न मनाया जाता है। हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा के कारण अनेक विध पौराणिक गाथाओं से जुड़ा हुआ है जीवन, इतिहास की धरोहर को मजबूत करने वाली सांस्कृतिक विरासत, इन सब के चलते हमारे देश ने उत्सवों को भी संस्कार का, शिक्षा का और सामूहिक जीवन का एक निरंतर प्रशिक्षण करने का काम किया है। उत्सव हमें जोड़ते भी हैं, उत्सव हमें मोड़ते भी हैं। उत्सव हमें उमंग भी भरते हैं, उत्साह भी भरते हैं और नए नए सपनों को सजने का सामर्थ्य भी देते हैं। हमारी रगों में उत्सव धड़कता रहता है। इसलिए भारत के सामाजिक जीवन का प्राण तत्व उत्सव है और यह उत्सव प्राण तत्व होने के कारण हजारों साल पुरानी इस महान परंपरा को कभी क्लब कल्चर में जाना नहीं पड़ा। उत्सव ही उसकी भावों की अभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम बनते रहे।
वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंचालक मोहन भागवत ने नागपुर में आज विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। इस मौके पर स्वयंसेवकों के पथ संचालन के बाद संघ के बने बैंड प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश की सुरक्षा व्यवस्था, भारतीय सेना की तैयारी और सुरक्षा नीति के मोर्चे पर भी केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करके वर्तमान सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि उसमें राष्ट्रहित में जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने का साहस है। जनभावना को ध्यान में लेकर और देश को हित को ध्यान में लेकर साहसी और कठोर निर्णय लेने की ताकत इस सरकार की है, ये भी सिद्ध हुआ जब 370 को अप्रभावी बनाया गया। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हुआ। वे सारे दल जिन्होंने इसका समर्थन किया और बिल प्रस्तुत करना वगैरह सारी प्रक्रिया करने में जो नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी है, उनका ये कार्य अभिनंदनीय है और उसकी बहुत प्रशंसा हुई। उन्होंने कहा कि सामाजिक हिंसा की कुछ घटनाओं को लिंचिंग बताकर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे एक शब्द चला पिछले साल लिंचिंग, ये क्या हमारे यहाँ होता था? कभी हुआ है? हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये छुटपुट समूहों की घटना है जिन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सब लोग चाहते हैं। हमारे देश की परंपरा उदारता की है, मिलकर रहने की है, भाईचारे से रहने की है। महिलाओं के अधिकारों सुरक्षा के मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख ने कहा, महिलाओं को समाज में अपना उचित स्थान दिया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मातृवत परदारेषु, ऐसा कहने वाला हमारा देश है। ऐसी परंपरा बताने वाले देश में हमारी मातृशक्ति न घर में सुरक्षित है न बाहर सुरक्षित है। ये स्थिति क्या हम सबको शर्म आए ऐसी स्थिति नहीं, लज्जाजनक नहीं है? हमको तो इसके बारे में समर्थ होना ही पड़ेगा, संरक्षण देना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी मातृशक्ति को भी हमको सशक्त बनाना पड़ेगा, प्रबुद्ध बनाना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में सद्भावना, संवाद और सहयोग बढ़ाने के प्रयास में प्रयासरत होना चाहिए। समाज में एक दूसरे को समग्र दृष्टि से देखने का व्यवहार चाहिए, समरसता चाहिए, अंतकरण में आत्मीयता चाहिए, निस्वार्थ बुद्धि चाहिए, देश हित में हम सबको जीना है, इस प्रकार की एक भावना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। इस मौके पर स्वयंसेवकों के पथ संचलन के बाद संघ के बैंड ने प्रस्तुति दी। एचसीएल के संस्थापक शिव नादर इस साल आयोजन के मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जनरल वीके सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। और इधर गोरखपुर में नाथ संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ पीठाधीश्वर द्वारा हर वर्ष विशाल शोभा यात्रा विजयदशमी के अवसर पर निकाली जाती है। इस वर्ष भी गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ पर गोरखनाथ पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। उनके आगे बैंड बाजों की धुन बजाई जा रही थी, लोग जय श्री राम और गोरखनाथ के जयकारे के लगाते हुए चल रहे थे। सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई थी। शोभा यात्रा में कर्तव्य दिखाते हुए कलाकार चल रहे थे, जो आकर्षण का केंद्र है। यात्रा में साधु संत और नाथ संप्रदाय से जुड़े तथा अन्य आम लोग भी शामिल थे। गोरखपुर में विजयदशमी पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय की परंपरा में मंदिर में आज 3 दिनों बाद उतरे। उसके बाद मंदिरों और वृक्षों की पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर ढोल नगाड़े की धुन बजाई जा रही थी। विजयदशमी के अवसर पर आज हर्षोल्लास के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समाचारों का सिलसिला लगातार जारी, रुक रहे हैं छोटे से विराम के लिए। ध्यान रखते हैं हर खड़ी मेरा और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों ना रखूं अपना ध्यान।
इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। आपको बता दें कि वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद में वायुसेना ने अपनी क्षमता और ताकत का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आज गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख आर के सिंह भदौरिया ने परेड की सलामी ली। भारतीय वायुसेना ने आज अपनी स्थापना के 87 वर्ष पूरे कर लिए। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। निशान टोली, जिसका नेतृत्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी राजावत कर रही हैं, और उनके ठीक आगे मार्चिंग कंटिजेंट्स आर्म स्विंगिंग हील्स डिगिंग हेड्स हेल्ड हाई प्राउड ऑफ द ब्लू एयर। वायुसेना के अत्याधुनिक विमानों हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। इनमें मिग लड़ाकू विमान हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए चिनुक हेलीकॉप्टर, और अपनी मारक क्षमता के लिए दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई। वायुसेना के मालवाहक विमानों ने भी उड़ान भरी। इस मौके पर सुखोई और भारत निर्मित तेजस ने हवा में करतब दिखाकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख आर के सिंह भदौरिया ने कहा कि रफाल लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल प्रणाली की भारतीय रक्षा प्रणाली में शामिल होने से भारतीय वायुसेना का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स इज ऑन द पाथ ऑफ रैपिड मॉडर्नाइजेशन थ्रू एक्विजिशन ऑफ क्रूशियल टेक्नोलॉजीज एंड क्रिटिकल कैपेबिलिटीज सच एज द रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, प्रिसीजन वेपन्स, advanced electronics and early warning systems, to name a few. However, to achieve true strategic autonomy, we need to focus on indigenous design and manufacturing. और प्रयागराज में चल रहे नवरात्र 29 सितंबर से प्रारंभ हुआ। पवित्र नवरात्र महापर्व का समापन आज विजयदशमी के पूजन के साथ समाप्त हुआ। पूरे 9 दिनों तक श्रद्धालु माता के भक्तों ने माता की अस्थाई मूर्ति स्थापित करके श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी आराधना वंदना पूजन की, और अंतिम दिन विशेष हवन यज्ञ की पूर्णाहति करके समापन किया। समापन पूजा के साथ अस्थायी रूप से विराजमान माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की प्रतिमा का आज श्रद्धालुओं ने नाचते गाते विदाई गीत गाते हुए पुष्पों और मालाओं से अबीर उड़ाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण कराने के बाद विसर्जन किया। पिछले कई वर्षों से पर्यावरण को सुरक्षित बनाए जाने और दुर्गा प्रतिमाओं का नदियों में विसर्जन न किए जाने को लेकर लोगों में अब जागरूकता दिखाई पड़ रही है। नवरात्रि समाप्ति के बाद आज राजधानी लखनऊ में सुबह से ही मूर्ति विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया। लखनऊ के झूलेलाल पार्क स्थित गोमती किनारे व अन्य कई स्थानों पर अस्थायी तालाब बनाकर मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वच्छता को लेकर दिए गए संदेश से लोग अब काफी प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति विसर्जन में आए श्रद्धालुओं का कहना है कि पर्यावरण स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है और नदियां प्रदूषित ना हो, इसलिए इन तालाबों में मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। हम सबकी एक यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री साहब भी पूर्ण तरीके से लगे हुए हैं कि गंगा स्वच्छ हो। हमारे यहाँ पे गोमती है तो हम ये चाहते हैं कि गोमती में स्वच्छता बनी रहे। इसके लिए हम लोग अगर खुद ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ें विसर्जित कर देंगे जिससे कि वहाँ पे गंदगी हो जाए तो फिर वो हमारे लिए काफ़ी बेकार होगा। तो जिस तरीके से ये विसर्जन कराया जा रहा है, एक अलग तरीके से हमने एक पूल बना दिया है, गड्ढा बना दिया है, उसमें सारे लोग विसर्जित कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ लोग भी हैं जो हेल्प कर रहे हैं हर तरीके से, आप लोग सब लोग है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा विसर्जन भी हो जा रहा है और हमारी गोमती जो है वो गंदी भी नहीं हो रही है। सो हमारे लिए दोनों फ़ायदे हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के जरिए सब चलाया है, गोमती भी स्वच्छ रहे, इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया है।
ये माँ राय राजेश्वरी दुर्गा माँ का हम लोगों ने यहाँ पे गोमती नगर विस्तार में स्थापना किया था। 4 दिवसीय पूजा थी, षष्ठी को शुरू होके नवमी तक हुई। आज 10वीं को दुर्गा जी का विसर्जन हुआ है। अभी अभी उन्होंने लक्ष्मण झूला मार्ग पे यहाँ पार्क में जो प्रशासन ने व्यवस्था की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए इन्होंने अलग से गड्ढा कराया, उसी में मूर्तियों का विसर्जन हुआ है। और दुर्गा पूजा के बाद आज सभी प्रमुख नदियों और जलाशयों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। प्रयागराज में प्रतिमा के विसर्जन से किसी भी तरह का प्रदूषण ना फैले, इसके लिए प्रशासन के द्वारा इस बार इको फ्रेंडली तालाब बनाया गया है, जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। प्रयागराज के बहादुरपुर विकास खंड क्षेत्र के अंदावा ग्राम सभा में बनाए गए तालाब में प्रतिमा विसर्जन के लिए 4 घाट बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तालाब में जल पुलिस और गोताखोरों को तैनात किया गया। इस बार अत्यधिक बाढ़ आ जाने के चलते गंगा का जलस्तर न घटने की वजह से अस्थायी रूप से ये विसर्जन स्थल बनाया गया है, जो प्रदूषण मुक्त रखा गया है। जी, आज दुर्गा पूजा में जो प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, उन देवी की प्रतिमाओं के विसर्जन का कार्यक्रम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन ने इसे व्यापक व्यवस्थाएं की हुई हैं। अंदावा स्थित इस विशालकाय तालाब में प्रतिमा विसर्जन के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन के तमाम अधिकारियों की यहाँ उपस्थिति सुनिश्चित की गई है, साथ ही पुलिस बल की भी पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है। सिविल डिफेंस के लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और श्रद्धालु देवी प्रतिमाओं को लेकर के आ रहे हैं और इसका मॉडर्न ढंग से इसका विसर्जन चल रहा है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि देर शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसे हम लोग सफलतापूर्वक बहुत अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को सम्पन्न करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा शहर के सेक्टर 46 में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में सोमवार को नौमी पूजा के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गार्डन गैलरी की तरफ से भव्य पंडाल में आकर्षक देवी मां की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। विभिन्न पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के साथ साथ कार्यक्रमों को देखने पहुंचे। दुर्गा पूजन में महिलाओं ने मां की आराधना कर बच्चों और परिवार की खुशी की कामना की। इस बार नोएडा के सेक्टर 46 में आयोजित होने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव समितियों की तरफ से इको फ्रेंडली पूजा पर जोर दिया गया है। साथ ही बच्चों और बड़ों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस बार प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष ध्यान दिया गया। संगठन मातृशक्ति के बारे में बताते हैं हम लोग, संगठित होकर है तभी उसमें शक्ति है। तो अगर हम लोग संगठित हों, भारत में अनेक धर्म है, अनेक भाषा है, लेकिन अगर सभी लोग जब एक सोसाइटी में रहते हैं और मिलके करते हैं तो इतना बड़ा आयोजन का संभावना हो सकती है, जिसमें कि बच्चों को, लेडीज जो भी है, वो लोग सभी को लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो लोग अपने परफॉर्म करते हैं यहाँ, छोटे छोटे बच्चे दिखेगा कुछ में, ड्राइंग कॉम्पिटिशन में, कल्चरल प्रोग्राम में, गरबा में, जो पहले कभी नहीं किए थे वो लोग कर पा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिला हुआ है। और उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि माता का पूजा है, इसके बारे में लोगों को कल्चर नहीं पता लग रहा है। जो केरला से है, आपके साउथ कर्नाटक से लोग, तमिलनाडु से, वो लोग का परिवार आके हम लोग से पूछते हैं कि कैसे पूजा होती है। वो बंगाली कल्चर में लोग पूजा कर रहे हैं, उसको समझते हैं। आज सारे लोग काफी उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सारे लोगों को हम कल्चरल के माध्यम से इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं और माँ दुर्गे की पूजा आराधना भी बहुत विधि विधान से की जाती है। इसलिए सारे लोग मिलके इसको उत्साहपूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग देखते हुए, स्वच्छ भारत अभियान को देखते हुए हम लोग ग्रीन पूजा कर रहे हैं। सो वी आर नॉट यूजिंग एनी प्लास्टिक, नो थर्मोकोल्स। जिन्होंने स्टार्ट किया वो बंगाली थे, उन्होंने आर्या कल्चर एसोसिएशन बनाया, उन्होंने स्टार्ट किया, उनके इस इंस्टीट्यूट को हमने आगे बढ़ाया, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर हम जुड़ते गए, झारखंड के, उड़ीसा के, गुजरात के, बॉम्बे से बहुत लोग जुड़े।
उधर वाराणसी में आज प्रतिमा विसर्जन से पूर्व बंगाली समाज की महिलाओं ने मां का विधिवत श्रृंगार किया और मां के साथ सिंदूर खेला। बंगाली समाज में मूर्ति विसर्जन से पूर्व बंगाली समाज की महिलाओं द्वारा मां को पान सुपारी तेल जौ मीठा से उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद मां को सिंदूर अर्पण किया जाता है और वही सिंदूर महिलाएं आपस में एक दूसरे को लगाती हैं। इसी को कहते हैं सिंदूर खेला। इसके पीछे की इनकी मान्यता होती है कि मां उनके सुहाग की वर्ष पर्यंत रक्षा करती रहे। बड़ी संख्या में लाइन लगाकर महिलाओं ने मां जगदम्बा की पूजा अर्चना की और सिंदूर खेला। लोग आज यहाँ अपने क्लब में मां दुर्गा की विदाई कर रहे हैं। किस तरह से ये जैसे हम लोग जैसे हम लोग क्या जब किसी की शादी होती है जैसे विदाई के सारे नियम मनाए जाते हैं वैसे हम लोग माँ को भी आज विदाई करते हैं। पान से सुपारी से मिठाई खिलाकर सिंदूर लगाकर जैसे एक बेटी की विदाई होती है वैसे ही माँ की भी हम लोग विदाई करते हैं। उसी चीज़ को मनाने के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ सुहागनें सिंदूर से खेलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता इस दशहरे वाले दिन ये अपने मायके आती है अपने बच्चों के साथ यानी कि लक्ष्मी गणेश सरस्वती और कार्तिकेय जी के साथ आती है अपने मायके और ये 10 दिन के पूजा के बाद ये वापस अपने ससुराल जाती है। तो इस दिन उनको विदा किया जाता है और सब सुहागन इस दिन उनकी आरती उतारते हैं सिंदूर दान करती है और आपस में एक खुशी का महोत्सव होता है आप कह सकते हैं। और इसके पीछे ये भी रीज़न होता है कि हम एक दूसरे को हम सिंदूर इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा एक दूसरे का सुहाग अखंड रहे अमर रहे। हम इस हिसाब से माता को भी लगाते हैं हम इस हिसाब से एक दूसरे को भी लगाते हैं। और वहीं मां दुर्गा प्रतिमा की शोभा यात्रा में रामनगरी अयोध्या में सौहार्द के रंग भी दिखे गए। जब शोभा यात्रा चौक पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की। राम मंदिर समर्थक मुस्लिम बबलू खान व हनुमान गढ़ी के पुजारी राजू दास ने भी मां दुर्गा पर पुष्प वर्षा कर सौहार्द की मिसाल पेश की। अयोध्या में आज भोर से ही दुर्गा मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई है जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सरयू तट स्थित गुप्तार घाट जा रही है। शोभा यात्रा में युवकों की टोलियां नाचते थिरकते चल रही हैं तो महिलाओं की संख्या कम नहीं है। इसी के साथ ही घाट पर देवी प्रतिमाओं का विसर्जन वेद मंत्रोच्चारण के साथ हो रहा है। जिले में 1100 से अधिक दुर्गा पंडाल सजाए गए थे। शोभा यात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरे से भी की जा रही है। अयोध्या के धरती पर हम हिंदू और मुसलमान हम सब भाई हैं और यह संदेश बार बार बाहर देने का कोशिश किया जा रहा है कि देख लीजिए सीख लीजिए हम लोगों से हम अयोध्या वासियों से। हम अयोध्या वासी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग आपस में यहाँ पे एक थाली में खाना खाते हैं। आज माता जी का जो ये बारात निकला हुआ है हम लोग खुशी खुशी से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या में अमन चैन की वातावरण आपको देखने को मिलेगा और राम जन्मभूमि में सक्रिय सहयोग देने वाले और हिंदू मुस्लिम की एकता के मिसाल मुस्लिम नेता बबलू खान जी की देख रहे हैं। आपकी जो है लगातार शुरुआत उन्होंने वहां से किया और पुष्प वर्षा जो भी बारात भगवान की जो निकल रही है जो माता जी की प्रतिमा निकल रही है और जो हिंदू तमाम अगुवाकार जो आगे निकल रहे हैं सब ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल मुस्लिम नेता बबलू खान जी के द्वारा दिया जा रहा है। आज माता जी की शोभा यात्रा में हम महिलाएं आगे आगे चल रहे हैं और अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि माता जी के साथ सभी लोग लग जाइए और माता जी की अंतिम विसर्जन यात्रा को सफल बनाएं, सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं। और हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम लुखराड़ा में छोटे छोटे बच्चों ने आज अधर्म पर धर्म की विजय व असत्य पर सत्य की जीत के लिए सदियों से चली आ रही परंपरा को मनाते हुए आज रावण का पुतला अपने नन्हे हाथों से बनाया। छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। दशहरा के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। हमारे गाँव व क्षेत्र में यह परंपरा चली आ रही है। आज शाम दशहरे के दिन रावण के पुतले में अग्नि देकर उसका दहन किया जाएगा। हम छोटे छोटे बच्चे इस कई वर्षों से विधिवत रूप से मनाते चले आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं और दशहरे का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बरेली में एक ऐसा ही मुस्लिम परिवार है जो पिछले 45 वर्षों से रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनाता है। रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले कासगंज निवासी बाबू पहलवान हर साल एक महीने के लिए बरेली आते हैं। बरेली के मॉडल टाउन में लगने वाले मेले में जिस रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का विजयदशमी के दिन दहन किया जाता है उन पुतलों का निर्माण
निर्माण करती हैं। बाबू पहलवान ने बताया कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले वो 45 सालों से बनाते आ रहे हैं। उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी पुतले बनाने में उनकी मदद करते हैं। उससे जो इनकम होती है उससे उनका परिवार चलता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रयागराज जिले के जमुनीपुर कोटवा में एक ऐसी रामलीला आज भी जीवंत है जो 1916 से अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। यहां रामलीला आज भी दिन में खेली जाती है। प्रयागराज जिले के जमुनीपुर कोटवा गांव में बिना मंच एवं साज सज्जा के बगैर रामलीला का मंचन जमीन पर होता है। रंगकर्मी सभी युवा होते हैं। ये रामलीला आज़ादी के पहले से होती चली आ रही है, जो अंग्रेजों के समय का पुलिस प्रशासन का आदेश भी है। राम शिरोमणि मिश्र बताते हैं कि इस रामलीला का मंचन जब उधर से अंग्रेज गुजरते थे तब वो भी इसका मंचन देखते थे। बुंदेलखंड के महोबा जिले में दशहरे का पर्व कुछ खास इसलिए भी हो जाता है कि यहां दशहरे पर लोग एक दूसरे को गले लगाकर पान खिलाते हैं। पान को विजय का सूचक माना गया है। पान प्रेम का पर्याय है। दशहरे में रावण दहन के बाद पान का बिगड़ा खाने की परंपरा है। सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने लोगों से अपनी एक बुराई को त्यागने की अपील करते हुए कहा कि अब दुकानदारों में स्वच्छता को लेकर भी जागरूकता देखने को मिल रही है। अब दुकानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को लेकर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि पान की पैकिंग अब पॉलिथीन में नहीं बल्कि हरे पत्तों में हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बदायूं के कछला नगर पंचायत में निराश्रित गोवंश के लिए सरकारी गौशालाओं का निर्माण किया गया था, जिसमें वर्तमान में 76 गोवंश पशु रहते हैं। इस सरकारी गौशाला में 22 से अधिक गोवंश की अचानक मौत हो गई। IVRI बरेली की टीम ने 22 गायों का पोस्टमार्टम किया। उनके पेट में ज्यादा हरा चारा मिला है और चारे में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन गायों की मौत हो गई। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी बात पता चल पाएगी। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शाम को गायों को चारा खिलाया गया था। उसके बाद 7 बजे के आसपास गायों की तबीयत खराब होना शुरू हुई और देखते ही देखते 22 गोवंश की मौत हो गई। फिलहाल गायों का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और आपको बता दें कि बस्ती पुलिस ने 25 लाख रुपए की अवैध स्पिरिट और शराब बनाने के उपकरण, बंटी बबली की रैपर और अवैध असलहे के साथ मुठभेड़ के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आज SP पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 4 पैकेट प्लास्टिक की पन्नी में सील युक्त ढक्कन, QR कोड बरामद किया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 37 ड्रम में 2405 लीटर अवैध स्पिरिट बरामद की। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विजयदशमी के अवसर पर देश भर में बुराइयों के प्रतीक रावण का किया गया दहन। देश भर में किया जा रहा है रामलीलाओं का आयोजन। नई दिल्ली के द्वारका में दशहरा समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हमारे उत्सव देते हैं सामूहिकता की शक्ति, भीतर की आसुरी शक्तियों को मारना है जरूरी। वायुसेना दिवस के अवसर पर गाजियाबाद में वायुसेना ने क्षमता और ताकत का किया प्रदर्शन। वायुसेना प्रमुख ने ली परेड की सलामी। और श्रद्धा और उल्लास के साथ किया जा रहा है प्रदेश में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। प्रतिमा के विसर्जन से प्रदूषण ना फैले, इसके लिए प्रशासन के द्वारा इस बार बनाए गए हैं इको फ्रेंडली तालाब। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। हमें दीजिए अनुमति, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।